तो दादी झूला हमारा भारत छू एकदम ये त्यौहार के बहुत बढ़िया तरीके से बनाओ। अब वो संस्कृति के नहीं बोलो, सबसे पहले मैं आपको एक बोलना चाहता हूँ, अपने संस्कृति को कभी मत भूलो, जो हमारे परदादा दादा परदादा सब चीज़ें करते आए हैं, उन रीति रिवाजों को करते रहो हमेशा। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। और गाइस आज हमारा दिन काफी बिल्कुल भयंकर वाला होने वाला है, जस्ट बिकॉज आज हमारे गांव का त्यौहार हरेला होने वाला है। ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा पर्व है और सबसे पहले मनाया जाता है, जैसे हमारे फसल और बारिश और गर्मी खत्म होती है, बारिश स्टार्ट होती है, वो सबसे पहला फसल हमारी जब गोड़ी जाती है तो उसके पर्व में हम ये बनाए जाते हैं, ये हम बनाते हैं। तो ये सबसे पहले हम कर रहे हैं अपने दिल्ली में, पहले लास्ट वाला व्लॉग था दोस्तों, हमने शूट किया था बहुत बढ़िया तरीके से और आज हम कर रहे हैं फिर से। बट इस बार एक ही दिक्कत है आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमने करी पूजा, पूजा करने के बाद अपने भूमि देवता की पूजा करी और उसके बाद अब हम हरेला काटने की तैयारी चले। बट इस बार देखो हमारा हरेला नहीं हुआ कोई बात नहीं, बट थोड़ा बहुत हुआ है तो मम्मी हमारी हरेला काटेगी। सबसे पहले गुड़ी की देखो, तो ये प्रक्रिया हम बनाते हैं अपने गाँव की बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो गाइस चैनल पर जो भी नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करो, जैसे बिकॉज देखो इतने पसीने में आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं गर्मी में, तो अपना कल्चर हम दिल्ली आके भी नहीं बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और ये देखो ये प्रक्रिया है। सबसे पहले हमारे मम्मी देखो इसमें क्या है कि हम कहले करते हैं, तेल लगाते हैं पहले हरेला को, चाहो हमें देता इधर वाला हरेला हमारा यार इस बार हुआ नहीं तो लास्ट टाइम भाई इतना बड़ा हुआ था, इस बार थोड़ी गलती क्या होगी ना, मैंने मिट्टी इसमें कम रखी, उसमें थोड़ा सही रखी थी। जाहो प्रभु हमारे हरेले को लगा रहे हैं हम पिठा। तो दादी झूला हमारा भारत छू एकदम ये त्यौहार के बहुत बढ़िया तरीके से बनाओ, आप संस्कृति के नहीं भूलो, सबसे पहले मैं आपको एक बोलना चाहता हूँ, अपने संस्कृति को कभी मत भूलो, जो हमारे परदादा दादा परदादा सब चीज़ें करते आए हैं, उन रीति रिवाजों को करते रहो हमेशा। देखो ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा भाई, जो अपने रीति रिवाज को भूलना नहीं चाहिए, बस हो गया। दिल्ली में आ गए यानी कि यार बस हम ट्रेडिशनल होना चाहिए, हम ट्रेंडी हो ऐसा नहीं, बस अपने कल्चर को हम याद करते हैं और इसी पर्व पर हम बनाए जा रहे हैं अपने हरेला का आज बहुत ही बेहतरीन त्यौहार। ये सारे मम्मी पापा हमें सिखाते हैं, उसके बाद हमें आगे कोई करना चाहिए। जय हो प्रभु। तो देखो आप काट रहे हैं हरेला, ये है मक्के जौ जितने भी हमारे मतलब अभी फसल होती है वो सब है इसमें। जय हो प्रभु। मंदिर में तो सबसे पहले मंदिर में क्या आते हैं, अरे दुबले नहीं हो यार मतलब कुछ तो मम्मी चला दी, उसके बाद अब हम मम्मी मेरे को चढ़ाएगी। देखो अब कुछ बोलेगी मम्मी है सब झाल हजो सब तो गाइस मम्मी ने बोला है। ये देखो अब ये लगा दिए, इसको लगाते समय हम एक चीज बोलते हैं वो मम्मी भी बताएगी, मम्मी बता क्या भाई। तो सबसे पहले मम्मी ने बोला कि टिस्टे पिन पे मतलब कि बड़ा हो जाना, फिर आगे की बात बड़ा हो जाना जागे। मतलब हाँ बहुत बड़ा हो जाना तेरे छह चलो ना आती है जो आगे ना एक दुप दुप तो आपको पता ही होगा, दुप का जड़ है जो मतलब वो इतना फैलता है वैसे हो जाना, दुप का जड़ गद्दू का झाल, गद्दू हमारे यहाँ पे जो सीधा फल होता है उसको मतलब उसकी बड़ी झाल हो जाना वैसे, और जो गाँव मतलब जो गाँव में तो रहेगा वो गाँव पूरा तेरा हो जाए। ये है आज की स्टोरी, यह यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा त्योहार का स्टार्टअप।
तो गाइस आप सभी भी इंजॉय करो इस ब्लॉग को और आई होप आपने कल्चर को आगे बढ़ाओ। ये देखो आपके लिए इतनी गर्मी में हम ऐसे ब्लॉग शूट कर रहे हैं, फोन इतना हीट हो गया है, हम खुद हीट चुके हैं, तो अभी हम ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे क्लोज नहीं कर रहे हैं। अभी हम दिखा रहे हैं, देखो अभी हमारे स्टोरी होती है, इसके बाद सभी लोग आते हैं यहाँ पे और हम इसको ना गांव में क्या करते हैं यहाँ पे लगा देते हैं अपने दही पे, यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे पूरे दही पे लगा देते हैं। तो यहाँ तो इतने हरा है नहीं, यहाँ पे हमारा ऐसा कुछ है नहीं, गोबर और उसको लगा के धूप लगा के। तो अब हम करेंगे, देखो अभी हमारा सब कुछ स्टार्ट होगा। अभी हमने खीर बना रखी है, बहुत खीर बना रखी, देखो खीर बना ली है। इसके बाद आलू भूज के बनेंगे, फिर प्याज मैं रायता बनाऊंगा। तो गाइस ऐसे ही ब्लॉग में बने रहना और आगे तक लेके चलते हैं आपको, और आई होप आप सभी इस ब्लॉग को एंजॉय करो, मजे करो और अपने कल्चर को बढ़ाओ और हमेशा ऐसे ही गांव के साथ गांव में ही बने रहो। और हम ऐसे देखो दिल्ली आते हैं काम करने के लिए, तो मजे करते हैं यहाँ पे। और आई होप इस ब्लॉग को आपको बहुत ही ये ब्लॉग आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो लेके चलते हैं आपको आगे, थोड़ा बहुत दिखाएंगे उसके बाद ब्लॉग क्लोज करेंगे। हैप्पी हरेला। ये हमारी हो रही है खाने की तैयारी, मम्मी ने देखो पसीने में लथपथ हो गया, कोई एग्जॉस्ट नहीं है यहाँ पे। लाइट खोलेंगे, यस लुक एट दिस, पूरियां तली जा रही हैं। और मम्मा एक बार दिखा, ज़्यादा ज़्यादा हमारी पूरियां तल चुकी हैं। और ये हमारा है ओ खीर, और खीर है पूरी तली जा रही है। और मैंने कर दिया अपना काम, मेरा रायता बनाने का काम है, तो मैंने पूरा तैयार कर दिया, और क्यों गुटके होंगे वही वही त्यौहार हो पहाड़ी का, मजे आ जाएंगे यार खाने में। कितने दिन के बाद मैं अपने डाइट को अचीव करूँगा। हमारा आधे से ज्यादा हमारा आलू के गुटके तैयार होने वाले हैं, ये देखो तड़का लगेगा जीरे का। और फाइनली मैंने जो बना दिया है रायता, रायता दिखाता हूँ आपको, बहुत ही टेस्टी हो रहा है भाई, बहुत टेस्टी हो रहा है जी, देखो बहुत टेस्टी हो रहा है भाई, देखो उसके अंदर मुझे। तो फाइनली हम खाते हैं, इसके बाद यार भूख लग रही है भयंकर, मेरे पेट में हो रही है जल्दी खाते हैं। तो गाइस अभी हम रख रहे हैं मंदिर में अपना गोबरास, सबसे पहले हम अपने भगवानों को चढ़ाते हैं, जो भी खाना होगा पूरा का पूरा। ये हमने आलू के गुटके बना रखे हैं, फाइनली अभी हम रखेंगे ऊपर। तो ये हमने चढ़ाया भोग अपने, अब हम करेंगे खाना स्टार्ट। चलो उसके बाद इस ब्लॉग को क्लोज करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ खाने में क्या क्या बना रखा है और सारी चीज़ें दिखाऊंगा आपको एक एक करके, उसके बाद ब्लॉग को क्लोज करेंगे। और कमेंट सेक्शन में जाओ आपके वहाँ भी कोई स्पेशल वाला त्यौहार जो बनाया जाता है पूरे अपने मतलब एरिया में, पूरे अपने गांव में, जो भी आपके गांव में बड़ा सबसे बढ़िया त्यौहार मनाया जाता है, उस कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा वाला है, क्या है, कैसे, और हमारे इस कल्चर को दिखाओ आगे को। तो लेके चलते हैं आपको आगे खाना खाते हैं। तो गाइस फाइनली हमारा खाना आ चुका है और हम करते हैं लंच अपने पहाड़ी की बढ़िया सी डिशेस के साथ में। खीर है, हल्के गुटके हैं, रायता है, पूरी है, उसके बाद मेरी प्लेट तैयार हो चुकी है और अब करते हैं उसके बाद इस ब्लॉग को, और तो करते हैं हम लंच अपना और इस ब्लॉग को ही क्लोज करते हैं। मिलते हैं जल्दी स्नैक ब्लॉग में, आप सभी को हैप्पी हरेला और ऐसे इंजॉय करो इस ब्लॉग को, मिलते हैं जल्दी स्नैक ब्लॉग में, तब तक ले बाय, हैप्पी हरेला।